नमस्कार सभी को, कैसे हो आप लोग? चलिए ठीक है, आज से हम आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग में हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे डाइस। पासा, सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पासा होता क्या है। तो पासा जो है वो एक 3D बॉक्स के जैसा होता है, यूं कह सकते हैं डाइस इज ए 3D ऑब्जेक्ट। पासा एक त्रिआयामी या त्रिविमीय वस्तु है। डाइस इज एम्प्टी फ्रॉम द इनसाइड या फ्रॉम इनसाइड। पासा अंदर से खाली होता है, इम्पटी होता है। अब एक और पॉइंट आता है अपने पास यहाँ पे कि 3D क्या होता है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि 3D और 2D क्या होते हैं। 2D, 3D, जिसमें दो आयाम होते हैं, जैसे लंबाई चौड़ाई, ठीक है, वो क्या होते हैं 2D, जिसमें तीनों आयाम होते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो सारी आकृतियां क्या होती हैं 3D, जिसमें लेंथ और विड्थ है, लंबाई और चौड़ाई, और जिसमें लेंथ विड्थ और हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है वो 3D, जिसमें दोनों है वो 2D। फॉर एग्जाम्पल 2D में अगर हम बात करें तो स्क्वेयर, वर्ग 2D आकृति होती है, ठीक है, ट्रायंगल, त्रिभुज, ये भी आपकी 2D आकृति होती है। अगर हम 3D की बात करें तो डाइस, पासा, क्यूब, घन, क्यूबोइड, ये सब 3D फिगर होती हैं। अब पासे की बनावट कैसी होती है, पासा दिखता कैसा है, तो देखो इस प्रकार की आकृति होती है पासे की जो हमें दिखाई देती है। ये 3D फिगर है और हम इसके साथ एक और 3D फिगर बना रहे हैं जिसमें हमें पासे की सारी सरफेस और लाइनें कॉर्नर वगैरह सब दिखाई दे जाएं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये पासे की 3D फिगर होने के साथ साथ एक्सरे फिगर भी है। देखो वो किस प्रकार की होती है, ये आपकी 3D फिगर एक्सरे के साथ हम इसको कह सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि टोटल कितनी सरफेस या सतह होती है। तो देखो काउंट करते हैं, इसकी टॉप सरफेस एक हो गई, बॉटम सरफेस, ठीक है, एक हो गई लेफ्ट सरफेस, एक हो गई ये राइट सरफेस, और फ्रंट सरफेस जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है ठीक है, एक हो गई बैक सरफेस। देखो इसमें टॉप और बॉटम आमने सामने की दो सरफेस हो गई है टॉप और बॉटम, एक दूसरे के अपोजिट सतह है। दो सरफेस आपकी हो जाती है फ्रंट और बैक, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, और दो ही सरफेस अपनी हो जाती हैं लेफ्ट और राइट, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे की अपोजिट सरफेस होती हैं, ठीक है। तो पासे में टोटल कितनी सरफेस हो गई, 6 सरफेस या सतह हो गई, ठीक है। अब
इसमें हम एक बार कोने देखते हैं या जो इसके कॉर्नर हैं उनको देखते हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने कॉर्नर हो गए, 8 कॉर्नर हो गए। तो पासे में कॉर्नर कितने होते हैं, 8। और अब हम एक बार देखते हैं कि पासे में लाइनें या एजेस कितनी होती हैं। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो टोटल 12 लाइनें या एजेस होती है एक पासे में। अब अगर हम इन सभी एजेस को, सरफेस को और कॉर्नर को प्रैक्टिकली भी अगर देखना चाहें तो हम इस होल को ही क्या मान सकते हैं, एक पासा मान सकते हैं। तो अगर हम इसको पासा मानते हैं तो इसकी दो सरफेस तो हो गई, फ्रंट और बैक, ठीक है, दो सरफेस हो जाती है, टॉप और बॉटम, और दो ही सरफेस हो जाती है, लेफ्ट और राइट। तो टोटल कितनी सरफेस हो गई, 6। अगर हम इसमें बात करें कॉर्नर की या जो कोने हैं उनकी, तो 4 कोने तो सीलिंग वाले हो जाते हैं, छत वाले, और 4 ही कोने कौन से हो जाते हैं, फ्लोर वाले, फर्श वाले। तो टोटल कॉर्नर कितने हो गए, 8। और अगर हम बात करें इसमें एजेस की या किनारों की, तो ये भी हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं इसी होल में, 4 जो लाइनें हैं या एजेस हैं ये तो हो गए सीलिंग वाले, छत वाले, और 4 ही एजेस या लाइनें हो गई अपनी फ्लोर वाली। तो टोटल कितनी हो गई, 8। और 4 लाइनें हो जाती हैं जो छत और फर्श को जोड़ रही हैं, कनेक्टर हैं। तो ये जो 4 लाइनें खड़ी लाइनें होती हैं ये क्या हो गई, और हम ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 12 लाइनें हो जाएंगी। तो अब हमें ये पता चल चुका है कि एक पासे में टोटल 6 सतह है, या हम बोल सकते हैं इसको फलक, सरफेस भी इसको हम बोल सकते हैं, होती हैं, जिसमें से आपको यहां पर तो 6 की 6 सरफेस दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर अगर हम देखते हैं, क्योंकि पासे का ओरिजिनल फिगर कुछ ऐसा होगा, तो इसमें हमें 1, 2, 3 ओनली 3 सरफेस ही दिखाई दे रही है। इट मींस कि एक पासे में दिखाई देने वाली सरफेस या विजिबल सरफेस जो होती हैं वो तो होती हैं 3, और जो नॉन विजिबल होती हैं या हिडन सरफेस होती हैं वो भी 3 होती हैं। तो टोटल 6 सरफेस या 6 सतह हो गई, जिसमें से 3 हमारे लिए विजिबल होंगी और 3 हमारे लिए नॉन विजिबल होंगी। बैक सरफेस हमें दिखाई नहीं देगी, बॉटम सरफेस हमें दिखाई नहीं दे रही है, और लेफ्ट वाली सरफेस हमें दिखाई नहीं दे रही है, टॉप सरफेस हमें दिखाई दे रही है, फ्रंट दिखाई दे रही है, और राइट साइड वाली सरफेस हमें दिखाई दे रही है। तो 3 सरफेस तो अपने लिए हो गई सोवन सरफेस, और 3 अपने लिए हो गई इडन सरफेस, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो हमने पासे में कॉर्नर काउंट किए थे, टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8। 8 कोने या त्रिकोण होते हैं एक पासे में। इसमें अगर हम देखें तो हमें 7 कॉर्नर दिखाई देते हैं इस वाली फिगर में, और 8 कोने हमें दिखाई देते हैं इस वाली फिगर में। एक कॉर्नर ऐसा है जिसमें मैंने डबल सर्कल किया है, डबल सर्कल जिस कोने पर मैंने किया है वो वाला कॉर्नर या कोना हमें इस वाली फिगर में दिखाई नहीं देता है। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस कॉर्नर के जस्ट नीचे जो कॉर्नर है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो इडन है। तो इट मीन्स हमारे पास पासे के 8 कोणों में से 7 कोने हमें इस वाले पासे में दिखाई दे रहे हैं, एक हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, हिडन। 7 जो कॉर्नर है वो तो क्या हो जाएंगे, शोवन और विजिबल भी आप इसको कह सकते हो, और 1 क्या हो जाएगा, हिडन। अब हम देखते हैं कि पासे में लाइनें कितनी थी, हम काउंट कर चुके हैं, टोटल 12 लाइनें होती हैं, लेकिन हम अगर इसमें देखते हैं तो हमें केवल 9 ही लाइनें दिखाई दे रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल लाइनें थी 12 लाइनें
या किनारे हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें से हमें दिखाई कितनी दे रही हैं? नौ लाइनें तो हमें दिखाई दे रही हैं, शोवन में है, ठीक है, विजिबल है, और तीन लाइनें हमें दिखाई नहीं दे रही, हिडन है। तो ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहां तक आपको सब समझ में आ गया होगा कि हमने पासे के बारे में अभी तक जो कुछ डिस्कस किया है वो सिर्फ बेसिक्स है, ठीक है। अब बात आती है कि पासा होता कितने प्रकार का है। पासा होता कितने प्रकार का है? तो टोटल दो प्रकार का पासा होता है, जिसमें पहली टाइप आती है आपकी स्टैंडर्डाइज, पहली टाइप आती है स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज यानी कि मानक पासा, ठीक है। और दूसरी टाइप आती है सिंपल डाइस यानी कि साधारण पासा, सिंपल डाइस साधारण पासा। पहले हम स्टैंडर्ड डाइस के बारे में देखते हैं। स्टैंडर्ड डाइस में हम टोटल तीन टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार ये जानने का प्रयास करते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा होता क्या है। तो देखिए, पासे की आकृति आपको पहले से ही मालूम है कि किस प्रकार की होती है। ये पासे की आकृति है। स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासे में तीन सिंपल से रूल होते हैं। अगर उन रूल में से कोई भी दो रूल हमारी कंडीशन के साथ मैच कर जाते हैं तो वो स्टैंडर्ड डाइस होता है, अगर मैच नहीं करते हैं तो वो सिंपल डाइस होता है। देखिए क्या है वो। स्टैंडर्ड डाइस मैक्सिमम टाइम सिंगल होता है, तो हम कह सकते हैं कि अधिकतर अकेला होता है। अकेला होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन मानक पासे के लिए क्या होती है? मानक पासे की अपोजिट सरफेस वाले डिजिट का टोटल हमेशा सात होता है, विपरीत सतह वाले अंकों का योग हमेशा सात होता है। यह मानक पासे की दूसरी कंडीशन होती है, विपरीत सतह के अंकों का योग हमेशा सेवन होता है। और लास्ट कंडीशन है, मानक पासे की कोई भी दो एडजुसेंट सरफेस या जुड़ी हुई सतह के अंकों का योग सात नहीं होता है। इसकी कोई भी दो जुड़ी हुई सतह के अंकों का योग इसकी कोई भी दो जुड़ी हुई सतह के अंकों का योग कभी भी सात नहीं होता है। इन तीनों रूल में से कोई भी दो रूल अगर मैच कर जाते हैं तो वो स्टैंडर्ड डाइस होता है, और अगर इनमें से कोई भी दो रूल मैच नहीं करते हैं, केवल एक रूल मैच करता है, दो मैच नहीं करते हैं, तो वो सिंपल डाइस होता है। अगर यहां पर हम इस पासे में नंबर लिखते हैं 1, 2 और 3,
और हम ये चेक करके देखना चाहें कि ये स्टैंडर्डाइज है या नहीं है, तो हम इसको देख सकते हैं इन रूल्स के अकॉर्डिंग। देखिए पहली कंडीशन, मानक पासे की बात हम कर रहे हैं, अधिकतर अकेला होता है। पहली कंडीशन बिल्कुल मैच हो रही है क्योंकि यहां पर हमारे पास जो डाइस है वो सिंगल है, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी कंडीशन हम इसके साथ चेक करके देखते हैं, इसकी विपरीत सतह के अंकों का योग हमेशा 7 होता है। इट मीन्स कि अगर टॉप सरफेस पे 1 है तो इसकी जो अपोजिट सरफेस है यानी कि बॉटम सरफेस है यहां पर हम अंक लिखेंगे 6, 6 और 1 का टोटल होगा 7, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 के अपोजिट नंबर होगा 5 तो टोटल हो जाएगा 7, और 3 की अपोजिट सरफेस पे होगा 4। इट मींस 1 के अपोजिट नंबर आया हमारा 6, 2 के अपोजिट नंबर आया 5 और 3 के अपोजिट नंबर आया 4। सभी डिजिट के अपोजिट नंबर हमने निकाल लिए हैं और कोई भी अपोजिट नंबर का टोटल तो 7 हो रहा है, लेकिन कोई भी दो 7 वाली सतह के अंकों का योग 7 नहीं हो रहा है। चेक करके भी आप देख सकते हैं, 2 प्लस 3 अगर हम करेंगे तो टोटल होगा 5, 1 प्लस 2 अगर हम करते हैं तो टोटल होगा 3, और 3 प्लस 1 हम करते हैं तो टोटल होगा 4। इट मीन्स ये स्टैंडर्ड डाइस बिल्कुल करेक्ट है, सही है, और इसके अपोजिट नंबर्स इस प्रकार से हमने फाइंड कर दिए हैं। आप लोगों को स्टैंडर्ड डाइस के बारे में, मानक पासे के बारे में ये तो समझ में आ चुका है कि इसमें कौन सी कंडीशंस काम करेगी, क्या इसमें कि कब मानक पासा होता है और कब नहीं होता है। अब हम इसकी टाइप की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस में टोटल 3 टाइप होती है, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो पहले हम टाइप ए के बारे में या पहली टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिटा दूं यहां तक, ओके। देखिएगा टाइप ए में क्या होता है। टाइप ए इसमें आपको एक पासा दिया जाएगा, और इसमें नंबर हो गए 4, 5, 6। इनके अपोजिट नंबर पूछे जाएंगे, या तो 4 के अपोजिट पूछ लेगा, या 5 के अपोजिट पूछ लेंगे हमसे, या 6 के अपोजिट, या हो सकता है कि सभी नंबर्स के अपोजिट हमसे पूछा जाए। ये टाइप ए होती है। और जब स्टैंडर्ड डाइस की बात हो रही है तो स्टैंडर्ड डाइस में जिस प्रकार से हमने रूल देखे थे, उन 3 रूल के बाहर स्टैंडर्ड डाइस नहीं होता है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि इन दोनों की जो कनेक्टिंग सरफेस है, जो जुड़ी हुई सतह है, इनका टोटल 7 नहीं होना चाहिए। 5 और 6 11 होता है, 5 और 4 को ऐड करते हैं तो 9 होता है, और 6 और 4 को ऐड करते हैं तो 10 होता है। इट मीन्स स्टैंडर्ड डाइस तो बिल्कुल करेक्ट है, तो अपोजिट निकालने में हमें कोई समस्या नहीं हो सकती। 4 में हम क्या ऐड करें कि टोटल 7 हो जाए, तो इसकी जो बॉटम सरफेस है उस पर हम 3 लिख सकते हैं। टॉप के अपोजिट बॉटम होता है, तो 4 के अपोजिट नंबर क्या हो गया, 3। 6 के अपोजिट हमसे पूछा जाए, या यूं कहे कि 6 के लेफ्ट साइड वाली सरफेस पे क्या नंबर आएगा, तो यहां पर नंबर आएगा 1। 6 और 1 को ऐड करते हैं तो टोटल 7 होता है, और 5 के अपोजिट सरफेस पे क्या आएगा, तो यहां पर आएगा 2। ये है आपकी टाइप नंबर ए। अब हम बात करते हैं इसमें टाइप बी की। टाइप बी में आपको दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा मानक पासा सही है। आपको 4 पासे की कंडीशन यहां पे दी हुई है। यहां पर नंबर लिख दिया 6, 1, 2, 2, 5, 3, 4, 1, 3, 1, 5,
4। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी और ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। हमें यह बताना है कि इन चारों पासों में से कौन सा मानक पासा सही है, यानी कि एक तो इनमें मानक पासा होगा जो सही होगा और तीन जो होंगे वो सिंपल डाइस होंगे, मानक पासे नहीं होंगे। हमें यह पहचानना है कि कौन सा मानक पासा सही है। तो देखिएगा, मानक पासे के लिए हमने जो रूल पढ़े थे उनके अकॉर्डिंग हम इसको चेक करने का प्रयास करते हैं। कोई भी दो सात वाली सतहों के अंकों का योग सात होता है तो वो मानक पासा नहीं होता, हमने ऐसा रूल से कंफर्म किया था। तो देखो यहाँ पर सिक्स और वन का टोटल क्या होता है, सेवन, इट मीन्स ये मानक पासा नहीं है। यहाँ पर फाइव के अपोजिट टू होना चाहिए, फाइव और टू सात में है तो इनका टोटल भी तो सेवन हो रहा है। अपोजिट सरफेस का टोटल सेवन होता है, कनेक्टिंग सरफेस का या सात वाली सतह के अंकों का योग सेवन नहीं होता, इट मीन्स ये भी मानक पासा नहीं है, रोंग डाइस है। और अगर हम इसमें देखते हैं तो फोर और थ्री का टोटल सेवन हो रहा है तो ये भी मानक पासा नहीं है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो फाइव के अपोजिट टू नंबर आ जाएगा, वन के अपोजिट नंबर सिक्स हो जाएगा, फोर के अपोजिट नंबर थ्री हो जाएगा, कोई भी नंबर यहाँ पर गलत नजर नहीं आ रहा है। फाइव के अपोजिट टू टोटल होता है सेवन, वन के अपोजिट सिक्स, वन और सिक्स टोटल होता है सेवन, फोर के अपोजिट थ्री टोटल होता है सेवन, इट मीन्स ये स्टैंडर्ड डाइस बिल्कुल परफेक्ट है, अपना आंसर होगा डी। दूसरे तरीके से इसको कैसे पूछते हैं देखिए, निम्न में से कौन सा मानक पासा सही नहीं है, सही नहीं है, ठीक है, ये आपको पूछ लिया जाता है। तो देखो इसमें आपको चार कंडीशन दी हुई है, एक ये हो गया दूसरा पासा, ये हो गया आपका तीसरा पासा और ये फोर्थ। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। यहां पर आपको लिख दिया गया वन टू थ्री, फोर फाइव सिक्स, सिक्स टू थ्री, वन फोर सिक्स। अब अगर हम इन चारों पासों को देखते हैं तो देखो पहले पासे में वन और टू का टोटल होता है थ्री, टू और थ्री का टोटल होता है फाइव, थ्री और वन का टोटल होता है फोर, यानी कि अगर किसी भी पासे की सात वाली सतह के अंकों का योग सात नहीं होता है तो वो मानक पासा बिल्कुल सही होता है। तो ये मानक पासा तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है कौन सा मानक पासा सही नहीं है, तो ये सही है तो अपने लिए क्या हो गया ये गलत। अब फाइव के अपोजिट टू आ जाएगा, फोर के अपोजिट थ्री आ जाएगा, सिक्स के अपोजिट वन आ जाएगा, ठीक है। यहां पर ये जो पासा है ये भी मानक पासा है, फोर और फाइव को ऐड करते हैं तो नाइन होता है, फोर और सिक्स को ऐड करते हैं तो टेन होता है, सिक्स और फाइव को ऐड करते हैं तो इलेवन होता है, मतलब टोटल सेवन नहीं हो रहा, तो ये मानक पासा भी सही है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा मानक पासा सही नहीं है, इसलिए हमारे लिए वो पासे तो गलत होंगे जो सही है और जो गलत होगा वो हमारे लिए इस क्वेश्चन में सही होगा। टू के अपोजिट फाइव आ जाएगा, सिक्स के अपोजिट वन आ जाएगा, थ्री के अपोजिट फोर आ जाएगा, इट मीन्स मानक पासे के रूल के अकॉर्डिंग तो ये भी सही है लेकिन अपने लिए तो ये गलत है। अब देखो यहां पर वन और सिक्स टोटल हो गया सेवन, तो ये मानक पासा नहीं है और हमसे यही तो पूछ रहा है कि कौन सा मानक पासा नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है यहां तक? ओके, तो हम अब टाइप डिस्कस करते हैं मानक पासे की, सी टाइप या तीसरी टाइप। टाइप सी स्टैंडर्ड डाइस की ही टाइप चल रही है। टाइप सी में आपको छह पासे दिए हुए हैं, पासा नंबर एक, पासा नंबर दो,
पासा नंबर तीन ये हो गया, पासा नंबर चार ये हो गया, पासा नंबर पांच और ये हो गया पासा नंबर छह। पहले यहां पर एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है, निर्देश दिए हुए हैं। निर्देश में क्या दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन में निर्देश, निर्देश में क्या दिया हुआ है कि सभी पासे मानक पासे के नियम पर आधारित हैं, मानक पासे के नियम पर आधारित हैं, नियम पर आधारित हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं, तीन क्वेश्चन है। पहले मैं यहां पर इनके जो डिजिट हैं वो आपको बता देता हूं कि क्या क्या दिए हुए हैं। 3, 6, 1, 4, 2, 6, 3, 5, 4, 2, 2, 1। पहला क्वेश्चन है पासा नंबर 1, 2 एंड 3 की ऊपरी सतह पर विषम अंक हों, ओड नंबर हों तो उनका कुल योगमान क्या होगा, उनका कुल योगमान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो है पासा नंबर 4, 5 तथा 6 की ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर सम अंक हों तो उनका कुल योगमान क्या होगा, तो उनका कुल योगमान क्या होगा। और लास्ट क्वेश्चन है पासा नंबर 5 की ऊपरी सतह पर सम अंक हो, अंक हो तो इसके छुपे हुए तलों के अंक क्या होंगे, अंक क्या होंगे। ये तीन क्वेश्चन हैं, बहुत ही आसान है, सिंपल से है। अगर आपको मानक पासे का बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर है तो इन क्वेश्चंस को बनाने में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। देखिएगा, अगर ये मानक पासे हैं तो अपोजिट का जो टोटल आएगा, डिजिट का जो टोटल आएगा वो क्या होगा, 7 होगा। तो यहां पर 6 का अपोजिट जो नंबर आएगा वो 1 होगा, 3 का जो अपोजिट नंबर आएगा वो 4 होगा। तो ऊपर अगर यहां पर कोई नंबर आ सकता है टॉप सरफेस पे, तो वो ना तो 3 हो सकता, ना 6 हो सकता, ना ही 3 का अपोजिट नंबर 4 यहां पर आ सकता है, ना ही 6 का अपोजिट नंबर 1 यहां पर आ सकता है। तो यहां पर अगर कोई डिजिट आ सकता है तो वो आएगा 2 और 5, यहां पर 2 आ सकता है या फिर 5 आ सकता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में हमें ये बताएंगे कि टॉप सरफेस पे हम इवन नंबर ले सकते हैं तो हम 2 ले लेंगे, यहां पर 2 यूज कर लेंगे। और अगर हमसे ये बोलते हैं कि हम टॉप सरफेस पे ओड नंबर यूज करेंगे तो विषम अंक यहां पर हम 5 ले लेंगे। फिलहाल हमने यहां पर दोनों डिजिट लिख दिए कि अगर हमें ऊपर 2 लिखना पड़ेगा तो अपने आप 5 अपोजिट में हो जाएगा, इसके बॉटम में हो जाएगा, और अगर हम यहां पर 5 लिखते हैं तो जो इसके बॉटम में आएगा वो 2 हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे ही हम इसके
नंबर चेक करते हैं, वन के अपोजिट क्या होगा, सिक्स, तो सिक्स तो बैक सरफेस पे गया, फोर के अपोजिट थ्री यहां पर आ जाएगा, थ्री यहां नहीं आ सकता, सिक्स भी तो यहां नहीं आ सकता, वन और फोर इसके साथ है तो ये भी नहीं आ सकते, तो यहां पर भी क्या आएगा, टू और फाइव। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, टू और सिक्स, तो यहां पर टू के अपोजिट फाइव तो यहां आएगा, सिक्स के अपोजिट वन इधर आएगा, तो यहां पर जो बच गए वो क्या आएंगे, थ्री और फोर। ठीक है, और इसी प्रकार से हम नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं, तो फोर के अपोजिट नंबर टोटल सेवन करना है, तो थ्री जो है वो तो बैक सरफेस पे चला जाएगा, टू जो है इसके बैक सरफेस में या इसके अपोजिट सरफेस लेफ्ट वाली में यहां पर फाइव आ जाएगा, तो यहां पर फाइव भी नहीं आ सकता, फोर भी नहीं आ सकता, टू भी नहीं आ सकता, थ्री भी नहीं आ सकता, जो रिमेनिंग नंबर है या तो वन यहां आ सकता है या फिर सिक्स यहां पर आ सकता है। और नेक्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें, तो यहां पर थ्री के अपोजिट फोर बैक साइड में आएगा, फाइव के अपोजिट टू लेफ्ट साइड में आएगा, तो यहां पर क्या आ सकता है, वन और सिक्स। ठीक है, और यहां पर टू का जो अपोजिट नंबर होगा वो बैक सरफेस पे आएगा, ठीक है, फाइव बैक में आएगा, वन का अपोजिट सिक्स इधर आएगा, यहां पर ना वन आ सकता है, ना टू, ना फाइव, ना सिक्स, तो जो रिमेनिंग नंबर है वो है थ्री और फोर, यहां पर या तो थ्री आ सकता है या फोर आ सकता है। अब हमने मानक पासे के नियम के अकॉर्डिंग जो पासे हमें दिए गए थे, इनके जो मिसिंग नंबर थे टॉप सरफेस पे, जो कोई अंक नहीं था, वो नंबर हमने फाइंड कर लिए रूल के अकॉर्डिंग। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पासा नंबर एक, दो और तीन की ऊपरी सतह पर विषम अंक हो, हमारे लिए पासा नंबर एक ये है, दो ये है और तीन ये है, इनकी ऊपर यानी कि टॉप सरफेस पे अगर हम विषम अंक लिखते हैं या विषम ओड नंबर यहां पर हम यूज करते हैं, तो इसमें ओड नंबर हमें मिलेगा फाइव। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पासा नंबर दो में हमें ओड नंबर मिलेगा थ्री और पासा नंबर तीन में हमें ओड नंबर मिलेगा वन। इन सभी का टोटल हमसे पूछा है। पासा नंबर एक, दो और तीन की ऊपरी सतह पर जो विषम अंक है उनका कुल योग मान क्या होगा, तो इनका टोटल होगा नाइन, यही अपना आंसर होगा। क्लियर है? ओके, गुड। क्वेश्चन नंबर दो की हम बात करते हैं। पासा नंबर चार, पांच तथा छह की ऊपरी सतह पर सम अंक हो तो उनका कुल योगमान क्या होगा, टोटल एडिशन वैल्यू या टोटल, सब उनका हमसे पूछा है, सब टोटल यहां पर पूछा है। ठीक है, तो देखो पासा नंबर चार, पांच और छह, ठीक है, पासा नंबर चार की टॉप सरफेस पे जो नंबर है और वो हमें कौन सा नंबर लेना है, इवन नंबर, तो इवन नंबर अगर हमें यहां पर लेना है तो हम यहां से क्या लेंगे, टू। पासा नंबर फाइव से हमें अगर इवन नंबर लेना है तो वो क्या होगा, सिक्स, और पासा नंबर सिक्स से अगर हमें इवन नंबर ही लेना है तो वो इवन नंबर होगा फोर। हमने पासा नंबर फोर, फाइव और सिक्स की टॉप सरफेस के इवन नंबर लिए हैं तो इनका टोटल जो बनेगा वो होगा 12, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 12 यानी कि 12। लास्ट क्वेश्चन है, पासा नंबर पांच की ऊपरी सतह पर सम अंक हो, हमारे लिए पासा नंबर पांच तो ये है, पासा नंबर पांच की टॉप सरफेस की बात कर रहा है और उस पर कैसा नंबर हो, इवन नंबर हो, तो यहां पर अगर हम टॉप सरफेस पे इवन नंबर यूज करते हैं तो यहां से वन हट जाएगा और सिक्स यहां रहेगा, तो सिक्स का अपोजिट जो नंबर आएगा वो वन आ जाएगा, टू का अपोजिट नंबर हम पहले से भी जानते हैं वो फाइव होगा, और फोर का अपोजिट नंबर होगा थ्री। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा है, तो इसके छुपे हुए तलों के अंक क्या होंगे, मतलब कि इडन नंबर्स क्या होंगे, जब हम पासे की आकृति को देख रहे हैं तो हमें डायरेक्ट जो नंबर दिखाई दे रहे हैं वो नंबर कौन से हैं, सिक्स हमें दिखाई दे रहा है, फोर हमें दिखाई दे रहा है, टू भी हमें दिखाई दे रहा है, तो ये तो हमारे लिए हो गए विजिबल नंबर, और जो इडन नंबर है वो हमारे लिए होंगे वन, फाइव और थ्री, तो जो इडन नंबर है वो ही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर्स, वन, थ्री एंड फाइव। तो मानक पासे की ये टाइप नंबर तीन थी, हमने आज मानक पासे के तीनों टाइप के बारे में डिस्कस किया है और पासे के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट था उसके बारे में डिस्कस किया है। तो यहां तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगी हम उसमें डिस्कस करेंगे जो डाइस है उसकी टाइप टू यानी कि सिंपल डाइस के बारे में, जिस प्रकार से हमने मानक पासे से संबंधित तीन टाइप डिस्कस की हैं, इसी प्रकार से हम सिंपल डाइस में भी टोटल ए से लेकर जे तक 10 टाइप हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिनके बारे में अच्छे से हम सीखने का प्रयास करेंगे। और अमूमन बुक्स में या जो भी कोई टीचर पढ़ाते हैं तो वो कभी भी आपको इतनी टाइप्स के बारे में नहीं बताते हैं, आपको तीन या चार टाइप के बारे में बताते हैं। मैं आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो भी टॉपिक करवाया जाए उसको कंसेप्चुअल तरीके से इस प्रकार से कराया जाए कि आपके लिए कोई प्रकार की प्रॉब्लम या समस्या बन ही ना पाए। ओके, थैंक यू।